जनपद सोनभद्र में बने गोवंश आश्रय स्थल में विगत 5 महीने के अंदर 124 से अधिक पशुओं की मौत सरकार की व्यवस्था का पोल खोलने के लिए काफी है। सूबे में आए दिन हो रही गोवंशों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तो गोवंशों के लिए गौशाला में देखभाल की कमी, ऊपर से तेज धूप और भीषण गर्मी, भूखे प्यासे तड़पते इन गोवंशों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? सरकार लगातार अपने अधिकारी को निर्देश दे रही है, लेकिन उन्हीं के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे, जिस कारण रोजाना गोवंशों की दर्दनाक मौतें हो रही हैं। इतना ही नहीं, इन गोवंशों की अंत्येष्टि के लिए भी प्राप्त साधनों की अनदेखी कर उन्हें यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है, जिससे अब ये गौशाला नहीं बल्कि मौतशाला बन गई है। भूख और प्यास से तड़पते ये गोवंश भीषण गर्मी में खुले आसमान में गोवंश कूड़े के ढेर के नीचे दाबे गए। ये तस्वीर उन दर्दनाक गोवंशों की है जिनकी भूख प्यास और गर्मी के कारण मौत हो चुकी है। ये तस्वीर सरकार की उन हकीकतों को दर्शाने और झूठे निर्देशों को बयां करने के लिए काफी है, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में और बैठकों में अधिकारियों को कहते और सुनाते अक्सर देखे जाते हैं। सूबे की सरकार गोवंशों को लेकर कितनी चिंतित है, उनके अधिकारी गौशालाओं में गोवंशों को लेकर कितना ध्यान दे रहे हैं और उसे बयां करने के लिए तस्वीरें काफी हैं। सोनभद्र के इस नगर पालिका में बने गोवंश आश्रय स्थल की शायद यही कड़वी हकीकत है। सरकार ने सभी जगहों पर अस्थायी गौशालाएं तो बनवा दी, लेकिन उनकी कितनी देख रेख है यहाँ पर की जा रही है वो शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो दावे कर रही है वो खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। आए दिन गोवंश तड़प तड़प कर मर रहे हैं। 5 माह में एक दो नहीं बल्कि 124 गायों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, ये तो लिखा पढ़ी के आंकड़े हैं। ऐसे कितने गोवंश हैं जिनके यहाँ मौत हो चुकी है, उसका कोई आंकड़ा नहीं है। इन गोवंशों के यहाँ वहाँ से अवशेष भी मिल रहे हैं। ये गौशाला कम गोवंशों का मौतशाला ज्यादा नजर आती है। यहाँ के पशुओं के स्वास्थ्य की देखरेख की जिम्मेदारी अपर पशु चिकित्सा अधिकारी को मिली है। उन्होंने बताया कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन विगत 5 महीने में लगभग 124 गोवंशों की मौत हो चुकी है। वर्तमान समय में 175 पशु यहाँ पर हैं। मौत का कारण है, पहले आवारा पशु छोटा घूमते थे, लेकिन अब उन्हें एक जगह पर बांध कर रखा गया है। इसका साइकोलॉजिकल प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है। साथ ही पॉलिथीन खाने से भी पशुओं की मौत हुई है। अब काफी हद तक सुधार हो गया है और नगरपालिका और मुख्य चिकित्सा अधिकारी पशु द्वारा लगातार सुधार किए जा रहे हैं। साथ ही देख रेख के लिए 6 लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है और जल्द सुधार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार और उनके अधिकारी को इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन सब जानकर अनजान बने हैं। यह मामला मीडिया में आने के बाद अब सभी कैमरे पर बोलने से बच रहे हैं। आखिर कब तक इन गौवंशों की मौतें होती रहेंगी? कब तक अधिकारी यूं ही अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे? योगी जी, आप ही जरा देख लीजिए सोनभद्र की गौशालाओं की इन कड़वी हकीकतों को। यहाँ पे गोवंश आश्रय केंद्र बना हुआ है, क्या स्थिति है इसकी और अभी कितने पशुओं की मौत हो चुकी है यहाँ पे? स्थिति तो यहाँ की सही है, करीब अब तक 124 पशुओं की मौत हो चुकी है, यहाँ पर डेथ हो गई है और इस समय 175 के लगभग पशु हैं यहाँ। तो क्या कारण है पशुओं की मौत का इतने? देखिए, यहाँ पे जो पशु की डेथ हुई है बेसिकली ये है ना कि पशु पहले हमारा घूमते थे बाहर, जब अंदर बंद कर किया गया, थोड़ा साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम आई इनको, पशुओं को। दूसरी चीज़ ये है कि इस कारण से उनकी इम्यूनिटी भी लॉस होती गई, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है पशुओं की वो भी लॉस होती गई। साथ साथ पशुओं के, ज़्यादातर पशुओं के पेट में पॉलीथीन की भी बहुत बड़ी समस्या रही है। इम्यूनिटी लॉस होने की वजह से क्या हुआ कि पशु ये बेचारे कमज़ोर होते चले गए, कुछ पशु काफ़ी कमज़ोर भी हो गए इसमें। कमज़ोर होने के बाद ये हुआ कि जो पशु बैठ गया, हम लोगों ने इलाज भी खूब अच्छे से किया उनका, तो उठ नहीं पाए, लास्ट की बोलते हो गए। तो ये मौत का सिलसिला लगातार चल रहा है, रुक नहीं रहा है, ये कैसे रुकेगा ये? नहीं, अब तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया है सिस्टम, अब वो डेथ रेट भी कम हो गया है। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, नगर पालिका पूरा सहयोग कर रही है और हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने करीब 6 लोगों की ड्यूटी लगा रखी है, जो सुबह शाम दोपहर हर समय वहाँ जा के देखते हैं पशुओं को, और उसमें हम लोग पूरा सुधार हो रहा है इसमें, अब डेथ रेट बहुत कम हो गया है। ये कितने दिन पहले शुरू हुआ था गोवंश आश्रय? मैं एक्चुअली नया हूँ यहाँ, मैं भी बाद में आया हूँ, जनवरी से चल रहा है, जनवरी 19 से। 4 महीने में 175 लोग, 125 पशुओं की मौत।